लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ज़ियान विटल फैमिली को बचाने के लिए अब आ गया था। रॉयल फैमिली जो इनको दूर से देख रही थी वो भी हैरान है कि ये ज़ियान अब वापस आ गया है। और अब यून इंसेक्ट और ज़ियान एम्पायर के बीच जो बैटल छिड़ी है वो बस कुछ ही समय की है, और अब हमें जल्दी से जाकर वहाँ विटल फैमिली की मदद करनी चाहिए ताकि हम ज़ियान को इम्प्रेस कर सके। उसकी ग्रैंड डॉटर सीधे अपनी सेना को लेकर विटल फैमिली की तरफ निकल पड़ती है। वहीं युंडू और यंचा इतने सारे डॉगांग को देखकर डर जाता है, और आइस एम्परर भी ज़ियान से पूछता है कि क्या ये तुम्हारे लोग हैं। जिस पर ज़ियान हाँ कहता है कि ये सब मेरे दोस्त हैं। ज़ियान कहता है कि तुम अभी यहाँ पर दो दो हुआ और साथ दो बैंग हो, लेकिन अभी शायद तुम्हें हमारी स्ट्रेंथ नहीं पता, तुमसे लड़ने में हमें जरूर मजा आएगा। ज़ियान तुरंत अपने दोस्तों को उन पर हमला करने को कह देता है और किसी को जिंदा ना छोड़ने का आदेश देता है। उसके सभी दोस्त ज़ियाओली के संग जाकर सभी एल्डर्स पर हमला कर देते हैं, और युंडू और युंचा अपनी पूरी आर्मी को गुस्से में ऑर्डर दे देते हैं कि हमें अपने शरीर के आखिरी खून की बूंद तक लड़ना है, चाहे हमारी आर्मी में केवल एक ही इंसान क्यों ना बचे, तब भी हम इनसे लड़ते रहेंगे। यून इंसेक्ट की पूरी आर्मी अब गुस्से में मिडिल फैमिली पर हमला कर देती है, और ज़ियान उसकी आर्मी को हराने के लिए जाने लगता है। वो दो एल्डर्स जब उसे रोकते हैं तो हाई बोडोंग यानी आइस एम्परर फिर से उन दोनों एल्डर्स से लड़ने लगते हैं। ज़ियान 3000 थंडरबोल्ट का यूज करके सभी उड़ने वाले सैनिकों को मारकर आगे बढ़ता है, और अपने भाई ज़ियाओली को लेकर याफी से मिलने जाता है। याफी पर एक ड्रैगन हमला करने वाला था, लेकिन तभी ज़ियान अपनी फ्लेम से उसे जिंदा जला देता है और वो वहीं भाप बन जाता है। अब 3 साल बाद ज़ियान याफी को देख रहा है और कहता है कि तुम पहले से ज्यादा सुंदर हो गई हो। याफी भी उसे देखकर खुश है और कहती है कि फाइनली तुम घर आ गए। ज़ियान उससे माफी मांगता है कि उसकी फैमिली की वजह से मिडिल फैमिली को इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ज़ियान फिर अपने फर्स्ट ब्रदर को देखता है, और जब उसे पता चलता है कि उनके पैर पैरालाइज हो गए हैं तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो कहता है कि मेरे पैर पॉइजन हो गए थे जिस वजह से इन्हें लकवा मार गया, लेकिन मेरे हाथ और मेरा दिमाग बिल्कुल सही है। वो ज़ियाओली की तारीफ करता है कि वो 2 साल में ही डॉगांग पर पहुंच गया है। ज़ियाओली कहता है कि ये सब ज़ियान की वजह से हुआ है, वरना सिर्फ अगर मैं खुद ही होता तो डॉलिंग पर ही होता। ज़ियान इस तारीफ को सुनकर खुश नहीं होता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने भाई के पैरालाइज होने का जिम्मेदार खुद को मानता है, और अपने भाई से कहता है कि इन कुछ सालों में आपको इतना सफर करना पड़ा। इस पर उसका भाई कहता है कि मेरे से ज्यादा तुमने सफर किया है, पिताजी सही कहते थे, तुम ज़ियाओ फैमिली और पिताजी का नाम रोशन करोगे। ज़ियान अब शपथ लेता है कि जब तक वो जिंदा है तब तक उसके दोनों भाइयों को कुछ नहीं होगा, और फिर अब याफी से कहता है कि तुम अब अपने लोगों को वापस ले लो, तुमने हमारी पहले ही बहुत ज्यादा मदद की है और अब यहाँ से मेरे लोग संभाल लेंगे। ज़ियान गुस्से में अब यून इंसेक्ट की सेना के आगे आता है। उसकी सेना बहुत बड़ी मात्रा में मिडिल फैमिली की तरफ आ रही है, और ज़ियान सभी को पहले चेतावनी देता है कि जिसको भी अपनी जान प्यारी है वो वापस मुड़ जाओ, लेकिन उनमें से कोई वापस नहीं मुड़ता, इसलिए ज़ियान अपनी फ्लेम को उन पर छोड़ता है, और उनकी पूरी की पूरी सेना जो मिडिल फैमिली के करीब आ रही है वो जिंदा ही जल जाती है, और पूरी सेना उनकी तड़प तड़प कर मर जाती है। इतनी बेरहमी से उनका कत्ल होता है कि उसको देखकर बाकी सैनिकों की रूह कांप जाती है, और जो बच जाते हैं वो भाग खड़े होते हैं। ज़ियाउद्दीन ये देखकर हैरान है कि उनका भाई जैसे 3 साल पहले दयावान और रहम करने वाला हुआ करता था वैसा अब बिल्कुल नहीं रहा, और शायद ये अब इस समय की मांग भी है कि हम सब ऐसे हो जाएं। वरना यून लैंसेक अपनी हरकतों से बास आने वाला नहीं है। वहीं अब रॉयल फैमिली के गार्ड्स और उनकी ग्रैंड डॉटर भी आ जाती है, और बाकी बचे हुए सैनिकों को सरेंडर करवा देती है। प्रिंसेस ज़ियाओ यू ज़ियान को ग्रीट करती है और कहती है कि हमारी फैमिली बहुत खुश है कि तुम यहाँ वापस आ गए, हम यहाँ जल्दी ही आ रहे थे लेकिन ट्रूप्स को मोबिलाइज करने में हमें इतना टाइम लग गया। याफी और ज़ियान उनको ग्रीट करते हैं और यहाँ आने के लिए उनको धन्यवाद कहते हैं। प्रिंसेस ज़ियान से और भी बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उन्हें वहाँ हाई बोडोंग के लड़ने की आवाज़ आती है, और ज़ियान उन्हें सॉरी बोलकर कि उसे अभी वहाँ जाना होगा वहाँ हाई बोडोंग के पास चला जाता है। हाई बोडोंग अकेला उनसे लड़ रहा है और वो अकेले ही उन पर अब भारी पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि वो 2 है इसलिए हाई बोडोंग उनको हरा नहीं पा रहा है, और वहाँ तभी ज़ियान आ जाता है और आइस एम्परर से कहता है कि हम दोनों मिलकर अब इन्हें सबक सिखाएंगे। ज़ियान एक एल्डर के पीछे पड़ जाता है और आइस एम्परर दूसरे के। ज़ियान के दोस्त और ब्लैक हॉर्न रीजन के ताकतवर लोग यूनियन सेट के बाकी एल्डर्स की गर्दन को मोड़कर बेरहमी से मार रहे हैं, और अब ज़ियान भी उन एल्डर्स को मारने लगता है। ज़ियान याद करता है कि कैसे उन लोगों ने मेरी फैमिली के ऊपर सितम ढाए थे, कैसे उसके भाई को उन्होंने सोल हॉल की मदद से पैरालाइज कर दिया है, और कैसे उसके पापा अभी तक उन्हें नहीं मिले हैं। ये सभी यून सेट की वजह से हुआ है। ज़ियान गुस्से में उन दोनों एल्डर्स को एक अटैक करता है, और उसके अटैक से वो एल्डर्स नीचे गिर पड़ते हैं। अब यहाँ युंडू और युंचा भी अभी जिंदा है जिनसे आइस एम्परर लड़ रहे हैं, और वो उन्हें अपने आइस ड्रैगन में बांध देते हैं, और आगे क्या होता है वो हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड फिर यहीं खत्म हो जाता है।